भगवद गीता में जीवन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर है, जैसे हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमें कष्ट क्यों होते हैं, क्या पुनर्जन्म होता है, क्या अन्य ग्रहों पर जीवन है, हम कैसे इस जन्म और अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं, हम कैसे भगवत धाम को जा सकते हैं। कोई पूछ सकता है कि कुरुक्षेत्र में हुए महान युद्ध जिसके दौरान भगवद गीता कही गई, उसका कारण क्या था। 5000 वर्ष पहले विचित्र वीर्य नामक एक महान राजा का देहांत हो गया, क्योंकि उसका बड़ा पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से अंधा होने के कारण राज्यभार संभालने में असमर्थ था, अतः उसके छोटे भाई पांडु ने राज्य सिंहासन संभाला। पांडु की मृत्यु के बाद उसके 5 पुत्र जो पांडवों के नाम से विख्यात थे, जो नियमानुसार राज्य के उत्तराधिकारी बने, लेकिन पांडव भी बालक ही थे, अतः धृतराष्ट्र ने स्वयं राज्यभार संभाला। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरवों के नाम से जाने जाते थे। जब पांडव बड़े होकर राज्य संभालने लायक हुए तो वे संपूर्ण राज्य नहीं लेना चाहते थे, हालांकि वो उनका नियम संगत अधिकार था। वे राज्य को अपने चचेरे भाइयों के साथ बांटना चाहते थे और इस प्रकार राज्य को पांडवों और कौरवों के बीच बांट दिया गया। लेकिन कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन अपने भाग से संतुष्ट न था, वो संपूर्ण राज्य को स्वयं ही भोगना चाहता था। उसने पांडवों को मारने के लिए कई षड्यंत्र रचे, लेकिन वो असफल रहा। फिर उसने नियम के विरुद्ध संपूर्ण राज्य को हड़प लिया और पांडवों को राज्य से निष्कासित कर दिया। पांडवों ने फिर 5 गांव की मांग की। दुर्योधन ने उत्तर दिया, 5 गांव तो दूर, वो सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे सकता। भगवान श्री कृष्ण ने जमीन के इस झगड़े को शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक तरीके से सुलझाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने यह प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए पांडवों के प्रति युद्ध की घोषणा कर दी और इस प्रकार महाभारत का महान युद्ध अवश्यंभावी हो गया। युद्ध की तैयारी में अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने गए। भगवान श्री कृष्ण उनकी मदद मांगने को आए किसी भी व्यक्ति को नहीं ठुकराते थे, चाहे वह सज्जन हो या दुर्जन। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण सेना को एक और तथा स्वयं को मार्गदर्शक के रूप में दूसरी ओर देने का प्रस्ताव रखा। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की सेना को चुना, जबकि अर्जुन भगवान को मार्गदर्शक के रूप में प्राप्त करने को उत्सुक था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मार्गदर्शक तथा सारथी बने। युद्ध स्थल में अर्जुन एक दुविधा में पड़ गया कि वह अपने अधिकारों के लिए लड़े, जिसके लिए आवश्यक था अपने ही स्वजनों का वध, या युद्ध भूमि से पलायन कर दुष्ट दुर्योधन को राज्य पर शासन करने दे। अर्जुन अपने को इस दुविधा से बाहर निकालने में असमर्थ पाकर भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है। शरणागत आए अपने मित्र एवं भक्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के दिव्य उपदेश द्वारा इस दुविधा से उबारते हैं और श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से अर्जुन के ही समान अपनी शरण में आए सभी भक्तों का मां गीता महात्म्य के अनुसार भगवद गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः कुमाम। यदि कोई भगवद गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है, भय शोकादि वर्जित, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। गीताध्यनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलम नाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है,
लेकिन यदि कोई भगवद्गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनिस्सता। चूंकि भगवद्गीता भगवान के मुख से निकली है अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, उसे केवल भगवद्गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवद्गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्राद्विनिस्सतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवद्गीता का अमृत पान करता हो। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यह गीतोपनिषद भगवद्गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवद्गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र एक ईश्वर एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम केवल एक शास्त्र भगवद गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि और एक मंत्र एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकम् तस्य देवस्य सेवा और केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। अध्याय एक कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा हे राजन पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे हे आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं यथा महारथी दुर्योधन विराट तथा द्रुपद। इनके साथ ही धृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरुजित कुंतीभोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वथामा विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अतः सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें।
तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जन किसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भौजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं।
हे जनार्दन, यद्यपि लोक से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों? कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ओहो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय ने कहा। युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अध्याय 2, गीता का सार। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनुक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमनकर्ता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा? ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उससे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। संजय ने कहा। इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं
वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत अपरिवर्तनीय रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे
और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है? हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यहां मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान